राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना के लिए काम करने में जुटी संस्था सैल्यूट वीर ने आज अपनी पहली वर्षगांठ पर सैनिकों, शहीद जवानों के परिजनों और दिव्यांग छात्रों का सम्मान किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना त्रिपाठी द्वारा थाने में आयोजित इस संगीतमय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, बीजेपी विधायक संजय केलकर और मशहूर वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी समेत तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज सैल्यूट वीर संस्था ने थाने में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जहां सेना के जवानों, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों, दिव्यांग जनों और तमाम जनसेवकों को सम्मानित किया गया। मशहूर गायक हीरा हमराई और टीम ने यहां संगीतमय कार्यक्रम पेश करते हुए लोगों में राष्ट्रभक्ति का जमकर जोश भरा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल और बीजेपी विधायक संजय केलकर खास तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने सैल्यूट वीर संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा वंदना त्रिपाठी के प्रयासों और कार्यों की सराहना की। उद्देश्य पूरे देश को व्यापने वाला उद्देश्य, इसलिए जितना भी धन्यवाद वंदना त्रिपाठी जी को दे उतना कम है। सैल्यूट वीर की वार्षिक वर्षगांठ पर आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में सुशिक्षा इन्वेंशन सेंटर के मतिमंद बच्चों की प्रस्तुति देखने लायक रही। समारोह में हौसला बढ़ाने थाने के वायुसेना अधिकारी मणिराम और सुदर्शन कुमार, उत्तर भारतीय मोर्चा के थाने शहर अध्यक्ष शैलेश मिश्रा, बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फूल सिंह, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक योगेंद्र नाथ तिवारी, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिन्हा, समाज सेविका रूपा सिन्हा, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी सावंत, पुलिस अफसर विनय कुमार राठौड़, समाज सेविका सुषमा सिंह, हिंदी भाषी नेता मार्कंडे हरिओम, अजय कृष्ण तिवारी समेत तमाम लोग मौजूद थे। इस अवसर पर मशहूर वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी ने वंदना त्रिपाठी के सामाजिक और पर्यावरण सेवी कार्यों की सराहना की। सैल्यूट वीर संस्था है, पिछले विगत कई 2-3 वर्षों से स्पेशली जहाँ पे देश की बात होती है, देश की आन बान की बात होती है और जहाँ शहीदों की बात होती है, बहुत तत्परता से काम करता है, लोग काम करते हैं। वंदना जी और उनकी पूरी टीम, मैंने देखा है कि जहाँ पे देश और देश का विकास कैसे, देश का उत्थान कैसे हो, लोगों ने एक साफ सफाई का आयोजन किया था। उस साफ सफाई के आयोजन में इन्होंने नई मुंबई से लेकर के थाना में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम जो है स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इतनी तपस्या के बाद आज़ादी मिली और उस आज़ादी को बचाने में जो आज के हमारे सैनिक हैं, जो हमारे बॉर्डर पे सिपाही हैं, उन्होंने सर्दी हो गर्मी हो सबको बुला करके अपने जीवन को बाजी पे लगा करके हम सब लोगों को जिस तरह यहाँ पे खुलेआम घूमने के लिए मतलब सुरक्षित रखे हैं, उनका कर्ज तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ ऋण उतारने में शायद हम लोग सफल हो पाएंगे। और वंदना जी ने इस जो कार्यक्रम को किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सैल्यूट वीर की राष्ट्रीय अध्यक्षा वंदना त्रिपाठी ने संस्था के मिशन और क्रियाकलापों की जानकारी दी। संस्था की सहयोगी प्रीति सिंगल ने भी अध्यक्षा वंदना त्रिपाठी के जनसेवी कार्यों को समाज के लिए जरूरी बताया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सैल्यूट वीर एक सामाजिक संस्था है जो परोपकारार्थम इदम शरीरम के सिद्धांत पर आधारित है। गीता में एक सार लिखा गया है कि ये शरीर दूसरों की सेवा के लिए है और अगर अपने हित को परे रख के हम दूसरे की सेवा करते हैं तो अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस संस्था में हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे ऑटिज्म बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और तमाम सभी कार्य होते हैं, किन्नरों के लिए सम्मान के लिए कार्य करते हैं। तो ये रूबरू कराना चाहती थी कि हमारी संस्था शहीदों के लिए, पुलिसकर्मियों के सम्मान के लिए कार्य करता है। आज बहुत गर्व की बात है कि एयरफोर्स स्टेशन से सार्जेंट, CDS पुलिस चौकी से DCP और काफ़ी तमाम राजनीतिक क्षेत्र से भी लोग आए हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जब इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आज हमने फौजियों का सम्मान किया है, सैनिकों का सम्मान किया है, पुलिसकर्मियों का सम्मान किया है। जो हमें आज सुन रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, आप हमारी संस्था को सपोर्ट करें, हमारी संस्था के साथ जुड़े और हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि सैल्यूट वीर आज
ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वो आगे आए और देश के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। देश में जो हमारे सैनिक हैं, बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं हमारे हैं, उनके लिए हम जितना काम कर सकते हैं और हमारे वातावरण के लिए वृक्षारोपण हुआ, बच्चों की सुरक्षा हुई, उसको लेके काम करें और हमारा सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।